आज हम नायलॉन खमन बनाएंगे। मार्केट जैसे ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी खमन आज हम परफेक्ट माप और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। परफेक्ट जालीदार खमन घर पे ही फ्रेश बनाने के लिए ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, जिससे आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सबसे पहले हम ढोकले का बैटर बना लेते हैं। टिप नंबर वन, जो भी बर्तन आप बैटर बनाने के लिए लो वो आप बड़ा लो, जिससे सारी चीज़ों को मिलाना आसान होगा। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाला है और अब मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैं 3/4 कप पानी ले रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून शक्कर। मार्केट जैसे ही स्वाद में खमन बनाने के लिए आधे टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का फूल जैसे कहते हैं वो डालेंगे। 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, यहाँ पर हमें मूंगफली का तेल लेना है। टिप नंबर टू, अब एक विस्कर से शक्कर और सिट्रिक एसिड पानी में अच्छे से घुल जाए तब तक मिलाएंगे। ये सारा माप हमें मेजरिंग कप से ही लेना है, जिससे खमन हमारे परफेक्ट सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। ये देखिए, सिट्रिक एसिड और शक्कर पानी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम बेसन डालेंगे। टिप नंबर थ्री, बेसन को छान के ही लेना है, इसके लिए एक स्ट्रेनर रखेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। बारीक वाला बेसन लेना है जो करियाने की शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे हमें दबा दबा कर नहीं भरना है, एक पूरा कप बेसन हम ऊपर से लेवल करके लेंगे। 1 कप बेसन के लिए हमने 3/4 कप पानी यूज़ किया है। माप में हमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ढोकला फूलेगा नहीं और कम होगा तो खमन हमारे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब विस्कर की मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब टिप नंबर फोर, ये बैटर को हमें 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये स्टेप करने से मिक्सचर हमारा हल्का हो जाएगा और ढोकले भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। ये स्टेप को आप स्किप ना करें। 5 मिनट तक हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब टिप नंबर फाइव, इस बैटर को हम ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अब जो प्लेट में हम ढोकले बनाने वाले हैं उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। साइड की किनारियों पर भी अच्छे से तेल लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने डब्बे का ढक्कन लिया है, आप इसके बदले कुकर का डब्बा या केक टिन भी यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर सिक्स, आप जो भी बर्तन लो वो हाइट वाला होना चाहिए, जिससे ढोकले हमारे अच्छे से फूल पाएँ। अब एक कढ़ाई में मैंने 3.5 गिलास पानी लिया है और एक स्टैंड रखा है। टिप नंबर सेवन, पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है, क्योंकि ढोकले जब स्टीम हो रहे होंगे तब बीच में हम ढक्कन नहीं खोलेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से ही हम ज़्यादा पानी लेंगे। अब ग्रीस की हुई प्लेट को स्टैंड पर रखकर ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे। स्टीमर में पानी उबालने रख दिया है और बैटर को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हुई है। ये देखिए, हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, न ज़्यादा गट और न ज़्यादा पतला। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डालेंगे। सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर 1/2 टीस्पून पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। टिप नंबर एट, हमें इसे अब 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है। सोडा अगर मिक्स नहीं हुआ तो ढोकले पर ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे। टिप नंबर नाइन, सोडा हमेशा फ्रेश ही यूज़ करना है, अगर उसका पावर कम होगा तो ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। टिप नंबर टेन, सोडा डालने के बाद आप जिस डायरेक्शन में इसे मिक्स कर रहे हो उसी डायरेक्शन में इसे 1 मिनट तक हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बैटर हमारा पहले से डबल हो गया है, फूल गया है, इसलिए मिक्सिंग बाउल हमेशा बड़ा ही ले। अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके ढोकले भी मार्केट जैसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। स्टीमर में पानी उबलना शुरू हो गया है, अब ढोकले का बैटर हम प्लेट में पोर कर देंगे। अब इसे ढककर 25 मिनट तक ढोकला स्टीम होने देंगे। ध्यान रखिए, बीच में हमें ढक्कन खोलना नहीं है, पहले से ही सफिशिएंट पानी ऐड करना है।
25 मिनट हुई है, अब ढोकला चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक क्लियर आ रही है, पानी जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब ढोकला बनके तैयार है, ढोकले की प्लेट को बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे। खमन ठंडे हो गए हैं, अब इनके पीसेस कर लेते हैं। पहले हम इन्हें किनारियों से अलग कर देंगे और अब मैं इन्हें स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए हमारे खमन परफेक्ट जालीदार बने हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अब हम ढोकले में ऊपर से डालने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक टेबलस्पून तेल को मैंने गर्म करने रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, एक टीस्पून राई डालेंगे और राई को अच्छे से फूटने देंगे। सात आठ हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे, ये आपके स्वादानुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और आधा कप पानी डालेंगे। दो टीस्पून शक्कर डालेंगे, अगर आपको ढोकले ज़्यादा मीठे पसंद हो तो शक्कर ज़्यादा ऐड कीजिए। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे जिससे शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है और शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये गरम तड़का हम ढोकले पर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे जिससे ये अंदर तक जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह करने से खमन हमारे ज्यूसी बनेंगे और खाते समय गले में ये नहीं अटकेंगे। आप भी इस तरह खमन ज़रूर से बनाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। खमन बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये सारी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे और परफेक्ट माप लेंगे तो आपके भी खमन मार्केट जैसे ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और ज्यूसी बनेंगे। बारीक कटी हुई कोथमीर और हरे नारियल से हम इसे गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।